मोकामा डाल क्षेत्र के मालपुर गांव में सड़क दुर्घटना में मृतक दो लोगों के परिजनों को पैजूना पंचायत के मुखिया दिनेश गोप ने कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत सरकारी सहायता प्रदान किया है। पिछले 12 मई को पंडारक प्रखंड के बेनुआ बाजार में बाराज जाने के दौरान सड़क हादसे में मालपुर के पिता पुत्र की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना में 25 बाराती बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। मुखिया दिनेश गोप ने सभी घायलों को भी अपने स्तर से नगद राशि प्रदान की है। इस मौके पर मुखिया ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की है। बारह तारीख के शादी में जा रहा था, बेनुआ बसाड़े गांव है वो, वहाँ पर गाड़ी टक्कर, सवारी गाड़ी था वो, पलटी खा गया। उसमें दो गो का घटना हो गया मौत, एक गो स्पॉट डेट हुआ, एक गो पीएमसी। बहुत लोग घायल है, केकरो गोड़ टूटल है, केकरो हाथ में है, केकरो सीना में है, केकरो बहुत तरह के चोट है अभी तक। और दो गो जो मरा है, हम ही सरकार से कहेंगे कि उसको जितना जल्दी जो नियम कानून है 4-4 लाख उसको दिया जाए। उधर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बिहार शरीफ कोर्ट पहुंचे लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय संरक्षक शरद यादव ने एग्जिट पोल को पूरी तरह से फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि जब से यह एग्जिट पोल शुरू हुआ है तब से उन्होंने कहा है कि इसका कोई मायने नहीं है, यह अमेरिका यूरोप देश नहीं है, यहाँ एक जाति के लोग रहते हैं। भारत में 1 लाख से ज्यादा जाति है और जाति के भीतर जाति है जिसमें डुबकी लगाना संभव नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल बिल्कुल ही फर्जी है। अब इन सब बातों पे चर्चा करने से क्या जो राजनीति है, हमारा मामला छोड़ दो। असली बात यह है कि 11 करोड़ लोग जो है बिहार के जो है वो सबसे बड़े, उनका जनादेश जो है उसे उन्होंने छोड़ा, ये वाजिब बात नहीं। हमारे ऊपर जो केस है वो उनके द्वारा नहीं, पार्टी के पेन में, लेकिन सवाल है ना कि यहाँ 11 करोड़ लोगों का विश्वास जो है उसका जो टूटा विश्वास टूटा है, ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के सिद्धपीठ उच्चौठ भगवती स्थान के निकट संचालित केवीएस कॉलेज में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन तथा पुस्तकालय का उद्घाटन किया। वहीं गीत गाकर छात्रों ने सुरेंद्र कुमार का भव्य स्वागत किया। कुलपति प्रोफेसर सिंह ने कहा कि केवीएस कॉलेज में बेहतर व शानदार पुस्तकालय बनने से छात्र छात्राओं को काफी लाभ मिलेगा। वहीं केवीएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पंकज चौधरी ने कहा कि छात्र छात्राओं के उपस्थिति में वृद्धि करने के उद्देश्य से उनके द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शैक्षणिक संस्थान का स्तर अगर देखना हो तो उसकी आप लाइब्रेरी में चली जाइए। लाइब्रेरी कितना सुंदर है, किस ढंग से उसको मेंटेन किया गया है, उसमें किस तरह की पुस्तकें हैं और उन पुस्तकों का कितना उपयोग छात्रों के द्वारा होता है, इन चीजों को आप देखेंगे तो उसकी शैक्षणिक उत्कृष्टता किसी भी संस्था के बारे में आप जान सकते हैं। मुझे देख करके बड़ी खुशी हुई कि कम से कम लाइब्रेरी में घुसने पर वो लाइब्रेरी की तरफ से महसूस होता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो छात्र पहले लाइब्रेरी में नहीं बैठते थे, कम से कम जो सुविधा यहाँ पर की गई है उन सुविधाओं का वो उपयोग करेंगे लाइब्रेरी में उपस्थित होकर, क्योंकि ज्ञान कई तरह से प्राप्त होते हैं। एक तो ज्ञान होता है कि शिक्षक के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है, लेकिन जो शिक्षक के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है, जो आवश्यक ज्ञान होता है, उसका सिर्फ 1/4 हिस्सा होता है। स्वाध्याय जो होता है, स्वाध्याय से 25%, 1/4 ज्ञान जो है स्वाध्याय से। अगर आपको स्वाध्याय की आदत है, अगर आप लाइब्रेरी में बैठते हैं, वहाँ पर उपलब्ध पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि जो जिस ज्ञान की आवश्यकता है जीवन में सफल होने के लिए, उसका 25%, 1/4 हिस्सा हासिल कर लेते हैं। और 1/4 ज्ञान जो आपको प्राप्त होता है जब अपने मित्रों से, शिक्षकों से या दूसरे क्लास के लड़कों से इंटरेक्ट करते हैं, या कॉलेज के बाहर जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त होता है।